तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। बाकी की चीज़ें हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आपने हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा ऑनलाइन वाला तो आप उसे देख लीजिएगा। इसमें हमने ग्रुप सी का बताया हुआ है, सेम उसी तरह से ग्रुप डी का भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप इस वेबसाइट के ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चले जाएंगे, फिर आपको इस तरह से आपका ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है, आई हैव डाउनलोड कंप्लीटेड, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरना होगा। जो चीज़ें आपको यहाँ पर मांग रहा है वो सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल। अगर आपका एड्रेस दोनों सेम है तो सेम है, इस परमानेंट एड्रेस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के लिए मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, आपको एक अक्षर कैपिटल होना चाहिए, फिर एक इस्तेमाल दो तीन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐट द रेट या हैज कुछ भी यूज करना है और 1 2 3 करके टोटल आपको 8 से 13 करेक्टर में ये पूरा पासवर्ड बना लेना है। दोनों पासवर्ड सेम डाल के सबमिट करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन एक बार देख लेना है, फिर इसको क्लोज पर क्लिक करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे सब पे क्लिक करना है, माय फादर, इस पर सब पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, फिर आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, यस पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास ओटीपी चला जाएगा और यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर लास्ट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, आप इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर सकते हैं, आपके ईमेल पे भी जाएगा और आपके पे मैसेज पे भी चला जाएगा। फिर आप नीचे आएंगे, अब आपका देखिए यहाँ पे 3 स्टेप में टोटल फॉर्म कंप्लीट होना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट, तो आपका भी एक ही कंप्लीट हुआ है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पूरा जो भी डिटेल आप फिल किए रहेंगे वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर अदर हो जाती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप यूपी के हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल आप यूपी, यस करना होगा। उसके बाद आप वुमेन कैंडिडेट है तो यस करेंगे। हैंडीकैप नो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देख लेना। एक सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर, मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है तो यस करेंगे, नहीं तो अनमैरिड कर देंगे। और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड ना डालना है, अपना नाम, जेंडर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर आप यहाँ पर इन दोनों पर आपको क्लिक करना है, लास्ट वाले को छोड़ देना है ये यहाँ पे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने पोस्ट में ग्रुप डी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे 4 सेंटर जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस आप यहाँ पे इस तरह से चूज कर लेंगे। अब अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी ऊपर नीचे लगाना चाहें पोस्ट प्रेफरेंस लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ट्यूबिल पाजेज आप डिप्लोमा, अगर आपके पास है ट्यूबिल ऑपरेटर का तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे कक्षा 6 की और 8 की और हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे भरनी होगी, उसके ऊपर क्या भरना चाहें तो भरें, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं सरकारी गवर्नमेंट तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा यहाँ पे है कोर्ट में तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब बताते हैं यहाँ पे फ़ोटो और लिफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर की। तो फ़ोटो यहाँ पे 10 से 80 के भी दिया गया है और आपका सिग्नेचर लिफ्ट थंब 4 से 30 के भी और सिग्नेचर 4 से 30 के भी। अब यहाँ पर आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। और अगर अपलोड होने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे दिखाएगा, इस पर क्लिक करके आपको देख लेना है कि हमने सही अपलोड किया है या नहीं किया है और फिर नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फ़ोटो किस तरह से बनाना है इसके पहले हमने SSC GD का वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरह से फ़ोटो को एडिट करना है। अब मेरा फ़ोटो का कोई भी वीडियो देखिएगा, आपको कोई भी फॉर्म का वीडियो फोटो समझ में आ जाएगा किस तरह से बनाना है। फिलहाल मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपको स्पेशल हाई कोड का भी बना दूँगा, आप उसे देख के बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म रिव्यू देखने को मिलेगा, पूरा फॉर्म आपको अच्छे से चेक कर लेना है जहाँ पे कोई भी गलती ना हो। उसे देखने के बाद आप नीचे फिर आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो, थंब और सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन दिखेगा, आप उसे मिलान कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिए गए हैं इनमें सब पे आपको टिक करना है, सभी पर आप जैसे टिक कर लेंगे फिर आई एग्री पे करेंगे, फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है।
अब आपका यहाँ पे दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट स्टेप बचता है फीस पेमेंट का। यदि अभी आपको कोई संशय है कि हम इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तो आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप फी पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। फिर दोस्तों आप पेमेंट यहाँ पे कर लेंगे तो आपको डाउनलोड फॉर्म का आपको ऑप्शन मिलेगा, वो आप जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ईमेल वेरीफाई का, आप यहाँ से वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करके ईमेल वेरीफाई कर सकते हैं। आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ईमेल डाल देंगे तो आपको नोटिफिकेशन उस ईमेल पे मिलता रहेगा, मोबाइल नंबर पे भी ईमेल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस आपको एक ही वीडियो में समझा दिया। मिलते हैं इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए।